अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल मीना मलिक ऑफिशियल। और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ फुल बॉडी वाइटनिंग की एक बहुत ही बेहतरीन रेमेडी, जो कि एक जूस फॉर्म में है। और आप जब इसे पियेंगे तो इंशाल्लाह आपके बॉडी जो है, बॉडी का कलर वो बहुत ही ज़्यादा सफ़ेद हो जाएगा। तो इस रेमेडी को आप ज़रूर इस्तेमाल करें और मुझे आप फीडबैक ज़रूर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाना। और मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलिएगा। और मुझे नीचे कमेंट करके बताएं आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। इस रेमेडी से 100% आपका जो बॉडी कलर है उसमें फ़र्क आएगा, आपका बॉडी कलर जो है वो वाइट में बदल जाएगा और आपकी बॉडी में ग्लोइंग आएगी। तो सबसे पहले आपको जो चीज़ चाहिए वो है एक गाजर। एक अदर आपने गाजर लेनी है, अच्छे से धो के उसे आपने स्लाइसिस में कट कर लेना है। उसके बाद जो चीज़ आपको चाहिए वो है एक टमाटर आपने लेना है। एक टमाटर को अच्छे से धो के आपने उसे स्लाइसिस में कट कर लेना है। तीसरी चीज़ हमें चाहिए वो है बीट रूट। बीट रूट आपने लेने हैं एक एक लेके उससे अच्छे से धो के छील के आपने उसको भी स्लाइसेस में कट कर लेना है। और इसे इन सब चीज़ों को आपने ग्राइंडर में डाल के एक ग्लास जो है पानी डाल के उसमें अच्छे से आपने ग्राइंड कर लेना है। सब चीज़ जब अच्छे से ग्राइंड हो जाए उसके बाद आपको आपका जो जूस है वो हो जाएगा तैयार। फिर आपके ये जो जूस है आपकी स्किन वाइटनिंग के लिए बहुत ही बेहतरीन है। आपकी स्किन में ग्लो लाएगा, इससे आपके एक्ने पिंपल्स भी नहीं होंगे, आपके फेस पे भी ग्लो आएगा, आपकी स्किन भी वाइट होगी और आपकी बॉडी भी वाइटनिंग देगी। तो अगर आप को मतलब जायका नहीं आ रहा है तो आप इसमें चीनी डाल सकते हैं। ग्राइंड करते वक्त आपने इसमें एक चम्मच चीनी डाल लेनी है, लेकिन अगर आपने वेट गेन नहीं करना है तो चीनी आप स्किप कर सकते हैं। उसकी जगह पे आप नमक डाल सकते हैं। नमक आपने 2 से 3 चुटकी ही डाली है। नमक भी आप अगर नहीं डालना चाहते तो आप स्किप भी इसे कर सकते हैं। उसके बाद जो आपका जूस है वो हो जाएगा तैयार। बहुत ही अच्छे से आपका जूस तैयार हो जाएगा। और हमें एक चीज़ और अभी इसमें ऐड करनी है, वो है नींबू। नींबू आपने लेना है आधा आधा, इसका जूस निकाल के आपने इसमें जूस में डाल देना है। उसके बाद आप इसमें शहद डाल सकते हैं। अगर आप चीनी या नमक ना डालें तो इसमें शहद भी डाल सकते हैं, तकरीबन 1 चम्मच। और इसे अच्छे से मिक्स करके आपने इसे पी लेना है। आपने इसे दोपहर में पीना है या जो भी आप टाइम इसे रखें, लेकिन आपने सुबह खाली पेट नहीं पीना है। या फिर अगर आप रात को नहीं पीना है आपने इसे दिन में किसी भी टाइम पी लेना है। दिन में आपने जो टाइम रखना है वो आपने हर रोज़ फिर यही वही टाइम आपने वो जो है जूस बना के पी लेना है। फिर इंशाल्लाह आपकी जो बॉडी वाइटनिंग है वो पक्का हो जाएगा। इस रेमेडी में मैंने जो आपको चीज़ें बताई हैं वो बिल्कुल नेचुरल है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें और इसके रिज़ल्ट लें। आपको बहुत ही इसके बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेंगे, यकीन करें। आपका फुल बॉडी वाइटनिंग हो जाएगा और आपकी स्किन पे भी ग्लो आएगा, पिंपल नहीं होंगे, आपकी स्किन वाइटनिंग भी हो जाएगी। ये आप ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताएं आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर दबाना ताकि मेरे लेटेस्ट आने वाले न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मेरी वीडियो को शेयर करना ज़रूर ताकि सब लोग इस रेमेडी का फ़ायदा उठा सकें। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।